पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। उत्तर प्रदेश के आगरा के किरावली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से निदान की बात कही तो वहीं सपा बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सपा तो औरंगजेब को सम्मान देकर उसका संग्रहालय बनाना चाहती थी, लेकिन हमने वीर गोकुला को सम्मान दिया। वहीं सभा खत्म होने के बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। किरावली की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। कहा कि सपा सरकार में हर तीसरे दिन जिलों में दंगे होते थे। उनकी सरकार में जब सरकारी नौकरियां निकाली जाती थी तो चाचा भतीजे का परिवार प्रदेश भर में वसूली करता था। कर्मचारियों से ट्रांसफर के नाम पर उगाही होती थी और वहीं विकास के नाम पर सिर्फ सैफई में काम होता था। प्रदेश के बाकी जिलों में कोई विकास नहीं होता था। सीएम योगी ने कहा, कोरोना काल में सपा बसपा और कांग्रेस के लोग गायब हो गए थे। सपा और बसपा अफसरवाद की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि करावली क्षेत्र में हमने महिला महाविद्यालय स्वीकृत किया है। जमीन उपलब्ध होते ही इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। तक सीमित है भाइयों बहनों, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक। उनका अपना कोई विकास नहीं। नौजवानों को नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा और पूरे महाभारत के सभी रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। हम पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से कि आखिर उन्होंने नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालने का कार्य क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ भी किया। प्रदेश के 2 करोड़ 54 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार तो उनके समय में किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, नौजवान पलायन करता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, अराजकता का मंजर था, कोई सुरक्षित नहीं था। लेकिन 5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, और पेशेवर माफिया को सत्ता के संरक्षण में फलते फूलते थे। उनकी अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर चलाने में भी सरकार ने मजबूती के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। बहुत बहुत एदमादपुर की जनता का, सर्व समाज का बहुत बहुत आभार। बहुत भारी संख्या में आकर योगी जी से भी प्यार दिखाया, आशीर्वाद दिया और मुझे भी आशीर्वाद दिया। एदमादपुर के सर्व समाज का बहुत बहुत आभार। जल सैलाब इकट्ठा हुआ है, ये देख के तो ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर सारी की सारी सीटें आगरा की लगता है। बिल्कुल, जनता का जो रुझान है उससे लगता है भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतेगी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो डोर टू डोर जो प्रोग्राम रखा है मुख्यमंत्री जी ने, आइए जानते हैं, बताइए डॉक्टर। देखिए, बीजेपी की बात करें तो इस समय बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास की बात करती है, जाति की बात नहीं करती कि ये फलां जाति का है, उस जाति का, हर व्यक्ति की जो है बात करती है। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए कि जो राशन बांट रहे हैं तो बीजेपी कभी ये देख करके नहीं बांटती कि तू फलां है, तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, सबको जो ज़रूरतमंद है सबको दे रही है। इतना विकास जो बीजेपी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में हुआ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।